जो चीरती हुई लोहे के हिस्से को गाड़ी के, और वो मुझे लगी तब मुझे एहसास हुआ कि हम गिर गए। फिर तीसरी गोली चली, इसने मेरा आगे वाला शीशा पूरा डैमेज कर दिया। चौथी गोली पे मैं नीचे हो गया, जिस वो जो गोली आपने देखा कि वो सीधी उसमें लगी, अगर मैं नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आसपास चली जाती। फिर वो गाड़ी 10 मीटर आगे जाके रुक जाती है, वो दो हवा में फायर करते हैं जैसा मैंने देखा, और फिर उन्होंने फिर हमारी गाड़ी फायर किया। वो गाड़ी के वो फायर जो है गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी। मेरा यह मानना है उनको ऐसा लगा होगा कि हमने जो काम करने आए थे वो कर दिया, अब ये मर गया शायद, जैसा पहले कई घटना में हो। फिर वो शायद सरेंडर करने के मूड में थे, लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि जिंदा है, तो वो वहां से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस ने काफी, पुलिस के अच्छे अधिकारी यहां हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर भय नहीं। कितने लोग थे? तीन लोग दो लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है, मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता, मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा, लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया, चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया फिर क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती है। तो मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री इंतजार करें, कब चंद्रशेखर मरे उनका काम आसान है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं है। अच्छा, अतीक अशरफ के जैसा हुआ वैसे ही कुछ होने वाला था ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। आपके पास एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूं, तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद बुजुर्गों का मेरे पास, और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूं, बाबा साहब अम्बेडकर मानवर काशीराम साहब सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लव कराने का है, इन वर्गो को अधिकार देने का, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला नहीं। एक गाड़ी को मेरठपुर में छोड़कर अपराधी भाग जाते हैं, तो कुछ और बता रहे कुछ तो कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश हो सकता है। वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए, ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अतीश वाले अमेठी पंचायत आप लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट जिसमें आपको मारने की वो की गई है, क्या कही है उसके अलावा? ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े, मैंने कहा ना मैं पहला थोड़ा ही हूँ जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया, मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनकी उनको कोई जान नहीं रहा था, मैं मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात की बात आगे बढ़ती, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा, ये भी मैं उनको संदेश देना चाहूंगा। घटना होने के बाद ये पोस्ट किया है अमेठी क्षेत्र महासभा से कि इस बार तो बचिए अगली बार नहीं बचेगी। देखो मैं गोली से डरता नहीं, मैं गोली से बंदूकों से नहीं डरता हूँ, मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। गोली चलाने वाले को भी कहना चाहता हूँ कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, कलह जंग पंगा ले रहे, मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को भी कह रहा हूँ कल से शांति बना रखो और संविधान के रास्ते चलो। वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो हम राजनीतिक ताकत हमारी बन रही हो कमजोर हो जाए, हम दूसरी दिशा चले जाएं, लेकिन ये भी एक अटल अटूट सत्य है कि हम संविधान के जरिए जवाब देना जानते हैं, और किसी को गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी सुधारने का समय है। वो क्यों वो कर रहे थे, वो पाला किसने? मुझे ही तो मारना है ना, वो बता दे मैं चला जाऊंगा मरने में, अगर मेरे लोगों के साथ तो खेलना खेले, मैं तैयार हूं, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है, गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे, ये समाज बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है, एक मरेगा हजार पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे? मारो गोलियों में, सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा हो। पहली घटना आपके साथ, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे। चंद्रशेखर भाई, पहली घटना आपके साथ मुजफ्फरनगर में हुई, दूसरी अब देवबंद में हुई, क्या आप लगता है कि आसपास का क्षेत्र उससे पहले बुलंदशहर में? अगर पहली घटना पे ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमजोर होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानी का नहीं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मर जाए क्या फर्क पड़ा, किसी को क्या फर्क पड़ता है, उनका रास्ते काटा आसान से निकल रहा है,
तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं, लेकिन जनता समझ रही है। मेरे मेरे एक एक फोन का जवाब मेरे लोग जो है ना मुझे संरक्षण देके लेंगे एक आखिरी सवाल और सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिसके अब संरक्षण में गुंडे पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल अटैक था आपको लगता है? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। पुलिस जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है पुलिस फेर जांच करके कोई मैनिपुलेट करके नहीं सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है देश के अंदर, कई मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है, ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, कई और कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या ये लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है गोली मारो सालों को, ये वही उसी वो उपजाऊ हो रही है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का, उनको ये घटना छोटी लगी। शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इसमें कोई शायद आपत बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं। मेरे लोग मेरे साथ ही ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसकी जो जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं एक राय रखता हूँ। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा देखते हैं क्या करेंगे? नहीं मैं उनका भाजपा के भी विधायक आए हैं, मैं कह रहा हूँ बस सबका धन्यवाद करता हूँ, मगर ये है मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो अस्मतें लुट रही हर महीने, रेप हत्या हो रही है, लोगों की जान जा रही है, सब उन पर वो करता है, तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे तो क्या फायदा, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप ठीक हैं डिस्चार्ज के द्वारा? ठीक, आपके कार्यकर्ताओं ने आज जो है जगह जगह ज्ञापन दिया है, सहारनपुर में दिया, अगली रणनीति क्या रहेगी? कोई रणनीति नहीं, पार्टी के सीनियर लीडर जो तय करेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। और दूसरा, मेरे पीठ में जहां गोली लगी है वहां ड्रेसिंग जारी है, ठीक है, पहले से आराम है, बस एक जलन और घाव है, जख्म वो तो है ही, सांस लेने में दिक्कत थी, बीपी जो है फ्लक्चुएट हो रहा था, फ्लक्चुएट अप डाउन हो रहा था, वो ठीक है पहले से, ठीक है, चलो ठीक है।